हर एक एक्टर का करियर में अप्स एंड डाउन्स होता है, और आज मैं कुछ ऐसे साउथ एक्टर के बारे में बताने वाली हूँ जिनका करियर में अभी सिर्फ एक हिट फिल्म का सख्त ज़रूरत है। दोस्तों, इस लिस्ट पर ऐसे कौन से एक्टर शामिल हैं जानने के लिए एंड तक ये वीडियो ज़रूर देखिए और एक लाइक भी कीजिए। तो चलिए इंट्रो के बाद मिलते हैं। 1. एनर्जेटिक स्टार राम पुथिनेनी। राम ने 2019 पे एक बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म दिया था, पर इसके बाद उनका फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कलेक्शन नहीं कर पाया, जैसे कि 2021 में रेड, 2022 पे द वॉरियर, और दोनों फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फेलर होने के बाद अभी राम का अपकमिंग प्रोजेक्ट है बॉयपति रैपो, और इस फिल्म का टाइटल अभी भी अनाउंस नहीं की गई है। ये एक एक्शन फिल्म है जिसको डायरेक्ट करी है बॉयपति श्रीनू ने, और इसमें है राम के साथ श्रीलीला, और इसमें राम का ह्यूज एक्शन एक्टर नजर आएंगे, और ये फिल्म पैन इंडिया लेवल पे होगा रिलीज। और हमें उम्मीद है कि इसी एक्शन सागा फिल्म देकर राम ने एक श्योर शॉट कमबैक करेगा। 2. नागा चैतन्य। हाँ दोस्तों, जहाँ पर तेलुगु का यंग एक्टर नागा भी इस लिस्ट पर शामिल है, जिन्होंने रिसेंट टाइम पे दिया है हैट्रिक फ्लॉप फिल्म, जैसे कि 2022 का थैंक यू लाल सिंह चाधा और 2023 का कस्टडी। और हैट्रिक फ्लॉप के बाद उनका अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात करूँ तो नागा का अभी तक की कोई अपकमिंग फिल्म का अनाउंसमेंट नहीं आई है। 3. थलाइवर रजनीकांत। जहाँ पर कॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का गॉड माना जाता है रजनी को, जिन्होंने एक टाइम पे तूफान वाला फिल्म दिया है, पर रिसेंट टाइम पे उनका थोड़ा सा डाउनफॉल जा रही है, जैसे कि 2019 का पेट्टा, 2021 का अन्ना थे और दरबार। पर जो भी हो, उनका अपकमिंग फिल्म आ रही है जेलर, जो एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसको डायरेक्ट करी है निर्सन दिलीप कुमार ने, और इसमें रजनी के साथ है सेंचुरी स्टार शिवराज कुमार, तमन्ना, और ये फिल्म पैन इंडिया लेवल पे 10 अगस्त रिलीज होगा, यानी कि इस पर एक बिगेस्ट कमबैक करेगा थलाइवर रजनी ने। 4. रेबल स्टार प्रभास। प्रभास को लेकर हर एक ऑडियंस के बीच में स्काई लेवल का एक्सपेक्टेशन रहते हैं, पर रिसेंट टाइम पे उनका कैरियर में थोड़ा सा डाउनफॉल जा रही है, जैसे कि 2022 में राधेश्याम जो रहा बिगेस्ट डिजास्टर, और 2019 में उनका फिल्म था शाहू जो एक फ्लॉप फिल्म था। पर जो भी हो, उनका अपकमिंग फिल्म एक मोस्ट हाइप बिग बजट फिल्म है, और जो है आदि पुरुष, सभी लोग जानते हैं और सभी लोग इस फिल्म के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही है। जहाँ पर है रविस्टर प्रभास, कृति सानून, सैफ अली खान, और फिल्म का बजट है 700 करोड़ का मैसिव बजट फिल्म, और ऑलरेडी जिसका ट्रेलर सबका दिल जीत लिया है, जो फिल्म अनडाउटली ओपनिंग पर एक रिकॉर्ड तो श्योर शॉट करेगा, पर क्या कलेक्शन लाएगा आदि पुरुष ये देखने का ही इंतजार रहेगा। और ये फिल्म पैन इंडिया लेवल पे 16 जून रिलीज होगा। तो आपको क्या लगता है, क्या आदि पुरुष प्रभास का कैरियर में एक पावरफुल कमबैक वाला फिल्म होगा या नहीं? 5. राउडी हीरो विजय देवराकोंडा। जहाँ पर विजय ने एक टाइम पे एक के बाद एक बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म दिया था, पर रिसेंट टाइम पे उनका जारी है बैड लक, जैसे कि 2019 में डियर कॉमरेड, 2020 में वर्ल्ड फेमस लवर, और रिसेंट टाइम पे लाइगर। तीनों फिल्म उनका रहा फ्लॉप, जिसमें से लाइगर को लेकर फैंस के बीच में का एक्सपेक्टेशन था, पर यह फिल्म कुछ खास कलेक्शन नहीं कर पाया। और अभी विजय का अपकमिंग प्रोजेक्ट आ रही है खुशी, जो एक रोम कॉम फिल्म होगा जहाँ पर विजय के साथ है समांथा, और ऑलरेडी इन दोनों का केमिस्ट्री देखने के लिए फैंस ने काफ़ी एक्साइटेड है। और ये फिल्म पैन इंडिया लेवल पे 1 सितंबर इसी साल रिलीज होगा, और हमें उम्मीद है कि इस फिल्म के साथ विजय का होगा एक बिगेस्ट कमबैक। 6. कॉम्प्लीट एक्टर मोहनलाल। जहाँ पर मलयालम फिल्म इंडस्ट्री का राज करने वाले नाम है मोहनलाल, और जिन्होंने दिया है एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर फिल्म है, पर रिसेंट टाइम पे उनका फिल्म में कुछ खास नहीं रहा, जैसे कि अरातू, ट्वेल्थ मैन, मॉन्स्टर और अलोन, जिसमें से ज़्यादातर फिल्में ओटीटी रिलीज फिल्म था। और अभी उनका अपकमिंग फिल्म आ रही है मलाई कुत्ताई वलीबान, जो एक प्योर ड्रामा फिल्म होगा जिसको रेट करी है जल्ली कत्तू का डायरेक्टर लीजो जोस ने,
मोहनलाल ने प्ले करी है एक रेसलर का रोल। तो हम उम्मीद रख सकते हैं कि ये फिल्म मोहनलाल का होगा एक बिगेस्ट हिट फिल्म। नंबर 7, बेलमकुंडा श्रीनिवास। ज़्यादातर बेलमकुंडा का कैरियर में फिल्म ही रहा फ्लॉप, और रिसेंट टाइम पर उन्होंने दो फ्लॉप फिल्में दिया है, 2021 में अल्लू दुआधूस और 2023 पे छत्रपति, जो एक बिगेस्ट डिजास्टर फिल्म निकला और जो उनका था बॉलीवुड डेब्यू। और अभी बेलम का अपकमिंग प्रोजेक्ट आ रही है स्टुअर्ट पुरम दुंगा, जो एक अपकमिंग बायोपिक फिल्म होगा जहां पर बेलम को टाइगर नागेश्वर राव के रोल में नजर आएंगे। नंबर 8, रियल स्टार उपेंद्र। जहां पर उपेंद्र ने एक टाइम पे कनाडा इंडस्ट्री को ब्रेक थ्रू फिल्म दिया था, पर रिसेंट टाइम पे उनका कैरियर में जा रही है डाउनफॉल, जैसे कि 2019 में आई लव यू, 2022 में होम मिनिस्टर, घानी और कब्जा, जहाँ पर सभी लोग जानते हैं कि कब्जा भले ही कन्नड़ा का सबसे बिग बजट फिल्म था पर कुछ खास कलेक्शन नहीं कर पाया यह फिल्म। और अभी उपेंद्र का अपकमिंग प्रोजेक्ट है यूआई। इंटरेस्टिंगली इस फिल्म को डायरेक्ट करेगा उपेंद्र ने, और जहाँ पर सभी लोग जानते हैं कि अभी तक की उपेंद्र ने डायरेक्शन पे कोई फ्लॉप फिल्म नहीं दिया है, यानी कि अनडाउटली उनका यह अपकमिंग प्रोजेक्ट एक बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म होगा। नंबर 9, नितिन। तेलुगु का इसी यंग एक्टर भी इस लिस्ट पर शामिल है। उनका लास्ट 4 फिल्में बैक टू बैक रहा फ्लॉप, जैसे कि 2021 में चेक, रंगदे माइस्ट्रो, 2022 पे माचेला न्यू जकावर्गा। और अभी नितिन का अपकमिंग फिल्म आ रही है वियना ट्रियो, यानी कि फिल्म का अभी तक की टाइटल कन्फर्म नहीं की गई है। इसमें नितिन के साथ है रश्मिका, और जो एक रोम कॉम फनी फिल्म होगा, और इसे विष्मा कपूर को और एक बार ऑन स्क्रीन पर देखने के लिए फैंस ने काफ़ी एक्साइटेड है। नंबर 10, विशाल। और इसी लिस्ट पर इसे तमिल हीरो का सबसे बुरा वक्त जा रही है, जिन्होंने 1, 2, 3 नहीं बल्कि टोटल 6 फ्लॉप फिल्में दिया है, जैसे कि 2019 का आ गया एक्शन, 2021 का चक्रा एनिमी, 2022 का वीरामे वगै सुदूम और लाथी। पर जो भी हो, उनका अपकमिंग फिल्म आ रही है मार्क एंटोनी, जहां पर विशाल के साथ है एस जे सूर्या, और इसमें टाइम मशीन के साथ जुड़ाकर स्टोरी को दिखा जाएगा। ऑलरेडी टीजर को मिला है पॉजिटिव रिस्पॉन्स। नंबर 11, माचो स्टार गोपी चांद। माचो स्टार ने भी इस लिस्ट पर शामिल है, जहां पर उनका लास्ट 4 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कलेक्शन नहीं कर पाया, जैसे कि 2021 का सिटी मार आराधुगुला बुलेट और 2022 का पक्का कमर्शियल, 2023 का रामा बनाम। और अभी उनका अपकमिंग फिल्म आ रही है गोपी चांद नेक्स्ट, जिसको डायरेक्ट करेगा कन्नड़ा डायरेक्टर ए हर्षा। नंबर 12, निविन पावली। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री का राइजिंग स्टार में से एक है निविन, पर रिसेंटली उनका जा रही है डाउनफॉल, जैसे कि 2022 में महावीरायर पदवेत्तु सैटरडे नाइट, और 2023 पे थारुमुखम, यानी कि 4 फ्लॉप फिल्में देने के बाद अभी निविन का अपकमिंग प्रोजेक्ट है युजु कथल युजु मलाई, जो एक अपकमिंग एक्शन ड्रामा फिल्म होगा जहां पर निविन को एक मछुआ के रोल में नजर आएंगे। और हमें उम्मीद है कि ये फिल्म निविन का कैरियर में होगा एक बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म। दोस्तों, ये रहा कुछ ऐसे साउथ एक्टर के बारे में जिनका कैरियर में अभी एक बिगेस्ट हिट का ज़रूरत है। तो इस लिस्ट पर आपको क्या लगता है, कौन से एक्टर अपने अपकमिंग फिल्म को देकर एक बिगेस्ट कमबैक करेगा, कमेंट पे बताइए। और ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिए, और इसके बॉलीवुड साउथ इंडियन मूवीज़ अपडेट पाने के लिए मालिश चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।